गुरदासपुर के इतिहासिक कस्बा कलानौर के प्राचीन शिव मंदिर तो एक बड़ी ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जिथे एक शख्स के वलों शिवलिंग की बेअदबी की गई है। यह सारी घटना उत्थे लगे सीसीटीवी कैमराज भी कैद हो गई। आओ तुहानू एक बार पहला पूरी वीडियो विखाने आ, फिर दस दें आखिरकार इस शख्स कौन सी। वीडियो दे विच तुसी वेख्या कि किंज एक शख्स जिहड़ा है शिवलिंग दे उत्ते कदे पुट्ठा पै जांदा है, कदे पैर रखदा है, ते कदे कुछ करके बेअदबी करदा है। वीडियो जदों सोशल मीडिया दे उत्ते वायरल होई तां आखिरकार पता लग्या कि इस शख्स मानसिक तौर दे उत्ते परेशान है। मानसिक तौर दे उत्ते परेशान शख्स दे वल्लों इस घटना नूं अंजाम दित्ता गया, जिस नूं लै के मौके ते पुलिस प्रशासन भी हरकत दे विच आया। इसी सब नूं लै के शिव भगतां दे नाल जदों गलबात कीती गई तां उन्हां ने इस सारी बेअदबी दा जिम्मेवार मंदिर दे ट्रस्ट नूं ठहराया। 12 बजे की गल आप ना कठारी मंदिर शिव जी महाराज की मूर्ति की स्थापना हो रही, आप उ सारी कमेटी सानू कहने उतों फोन किया भी इस तरह मंदिर आ घटना हुई है। आप उतों इसे उस वे वापस आए हैं, जो तो वापस आन के वेख्या पंडित जी ने उन्होंने बाहर कढ़िया वो मुंडे नूं। जदों आप अंदर फिर अपने जिहड़े कैमरे वेखे ने वो मुंडा अंदर पहला 10 मिनट खलोता रहा हाथ जोड़ के, उस तो बाद उन्हें अंदर छाल मारी है, पहला पुट्ठा फिर सीधा, फिर वो महाराज के उपर मतलब कि पैर लगे उपर चढ़िया, फिर वो बाहर आया। इन्हें वो घटना तो बहुत माड़ी की है, पर अं जो इतने कट्ठे होकर वेखिया आ कैमरे में तो बिल्कुल दुरुस्त पाया गया, वाकई उपर चढ़िया वो पुट्ठा सीधा भी हो गया, उन्हें उत्ते लेटिया यह घटना ही। उस तो बाद आप उस वे एस एच साहब खलोते हैं, मैं उन्होंने फोन किया, दरखास्त भी भेजी उस वे देती है, फिर डी डी साहब ने गल आई भी उस वे हम मौके पर आ गए हैं। अं इन्हों की जी बनती कार्रवाई इनके भी करो जो सदाई है ज कुछ भी आ, उत्ते इन्हें माड़ी गल की आ, ये अपने धर्म में ठेस पहुंची है, शिव भगतों में भी गई आ, दूजे वल इन्हें जी बेअदबी की है इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। उधर जदों मंदिर ट्रस्ट के गलबात की गई तो उन्होंने कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमराज वेखन तो बाद पुलिस को सूचित किया, तो पुलिस हरकत दे विच भी आई है। मेंटली अपसेट बंदे ने भोलेनाथ दे शिवलिंग दे उत्ते चढ़ के बेअदबी की आ, गर्भगृह के अंदर जाके वो शिवलिंग के उत्ते चढ़िया, जिस दी वीडियो सारे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया से भी वायरल हो गई हूँ, तो जो कि एक बहुत मंदभागी घटना है। इस सरासर मैं यो कह कि वह बंदा तो मैंटली अपसैट सगा, बट ट्रस्ट कितने सी जिम्मेवार, आप ट्रस्ट को जिम्मेवार मना, सीधे तौर पर ट्रस्ट जिम्मेवार है जी, क्योंकि ना गर्भगृह के अंदर पुजारी मौजूद आ। अगर वह बंदा मैंटली अपसैट सगा वह गर्भगृह के अंदर चला किदा गया, गर्भगृह के अंदर जाके उन्हें यही नहीं कि एक सैकेंड या 2 सैकेंड 10 सैकेंड, उन्हें 15-20 मिनट तांडव किया उन्होंने देखने वाला कोई भी नहीं, उस बंदे नूं उत्थे देखण वाला कोई मौजूद ही नहीं कि जिहड़ा उन्हूं हटा सके। 15-20 मिनट बंदा वो उत्थे घूमदा रहा शिवलिंग दे उपर चढ़ के, उस तो बाद ना उत्थे कोई पुजारी, ना उत्थे कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना उत्थे ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी, कि इन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये अपने तो मिट्टी झाड़न वास्ते समझ आता पाया कि यह पुलिस तो उस मैंटली अपसैट बंदे ते जिहड़ा कि बंदे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है उहदे ते परचा दे रहा, जबकि मैं प्रशासन तो मांग करता कि यह परचा तो सीधा सीधा ट्रस्ट से बनता, बेअदबी तो ट्रस्ट ने की, जिम्मेदारी फिक्स ट्रस्ट की होंगी है उत्ते, क्योंकि ट्रस्ट की ही जिम्मेवारी, ट्रस्ट की जिम्मेवारी सिर्फ पैसे उगराना नहीं है, उत्थों मंदिर को मैनेज करना, मंदिर की मर्यादा कायम रखना, कि यह ट्रस्ट है कोई बंदा जिम्मेदारी लैन लई तैयार है। ये जिहड़ी गलत गल है, ये भोले भोलेनाथ के भगतों दीआं भावनावां आहत हुई ने, यह सीधे तौर पर जिहड़ी बेअदबी की जिहड़ी घटना वा, ये सारी सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है। उधर DSP भारत भूषण का कहना सी कि उन्होंने इस व्यक्ति के खिलाफ 295 की धारा लगा के मुकदमा दर्ज कर लिया। सवेर की बारह बजे की सवेर की जी घटना, उस वे मंदिर के अंदर जमाइस भी दो तीन जो आदमी बैठे हुए थे, ये जड़ा व्यक्ति शिव कुमार सन ऑफ सतपाल है जिन्हें सारी हरकत की है, वो मंदिर के बाहर ही जी रेहड़ी लगाता, 20 साल उम्र है और 18 साल तो जो लगातार उनका मैंटली इलाज चल रहा, और काफ़ी पेसेंट है जोड़ा वो मैंटल है, तो उनका फादर भी जोड़ा अज कुछ दिनों से उनकी मैडिसन जी मुकी हुई थी, अज अमृतसर मैडिसन लै गया, इतने आले दुआले पता करन ते लगा कि उन्हें एक दो बारी
किसी ने हिट करने की हिट नाल कोशिश की, मैंटली परसेंटेज उनकी काफ़ी ज़्यादा मैंटल है। फिलहाल असं 295 ए के तहत जो केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो नाल ही उनका गुरु नानक देव हॉस्पिटल तो मैं मेडिकल चैकअप करा के फरदर उनकी जी कार्रवाई है अमल च लिया। पर सर शिव भगतों में काफ़ी रोस पाया जा रहा है, मतलब लोगों को क्या समझाया जाएगा जी बंदा मैंटली अपसेट है? उसके सारा मेडिसन से उनका जो इलाज चल रहा है सेवादार उस वेले किथे मौजूद सन। गुरदासपुर तो नीरज सलहोत्रा दी रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब। मैं गुरशरण सिंह शीना, देश विदेश विच वसदे पंजाबियों नूं ते हर हिंदुस्तानी नूं 15 अगस्त ते लख लख वधाई देना अते देश दी सरकार नूं बेनती करदा कि जिहड़े एक साल तो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली दीआं सड़कां ते रुल रहे ने, 500 दे करीब जिहड़ी किसानां दी हत्या हो चुकी आ ते किसानां दे जिहड़े बिल आ वो रद्द कीते जाण ते जिहड़े किसान आ अपने घरां च वापस आ सकण। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੁਹਾਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਚ ਐਸ ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਾਂਤ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ IHRO ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।